और अब ब्रह्मा जी की अनुमति से पुतलियों की जगह मैं लूंगा राजा भोज की परीक्षा, पर जब जब मैं कुछ गलती करूंगा तो ब्रह्मा जी मुझे देंगे सजा। इस बार उन्होंने पूरे एक दिन के लिए मेरी आवाज बेतालनी जैसी कर दी। मेरी रचित योग शक्ति की परीक्षा राजा भोज ने पार कर ली, लेकिन इतनी जल्दी सिंहासन नहीं मिलेगा उन्हें। अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए उन्हें मेरे मित्र की परोपकार की कथा सुननी होगी, जिसमें एक बार विक्रमादित्य अपने महल में टहल रहे थे, तभी उन्हें दो ज्योति की रोने की आवाज आई। कारण पूछने पर उन दोनों ने बताया कि कल नामदेव नामक युवक की मृत्यु हो जाएगी, जिसकी हत्या राजा रुद्र प्रताप करेंगे। चिंतित विक्रम को वराहमिहिर बताते हैं कि नामदेव की मृत्यु निश्चित है और उसके उपरांत उनकी माता भी अपना जीवन त्याग देंगी। ये सुनकर सम्राट विक्रमादित्य निर्णय लेते हैं कि वो काल को रोकेंगे। अब देखते हैं आगे। देखा राजन, देखा आपने कितने परोपकारी थे मेरे मित्र विक्रमादित्य। उन्हें क्या लेना देना कोई जिए या मरे, लेकिन नहीं, परोपकारी जो ठहरे इसीलिए पराई आग में कूद पड़े और निश्चय कर लिया और वो नामदेव को पचाकर ही रहेंगे और निकलने की तैयारी कर ली। क्या बात है महाराज? सम्राट क्षमा करें, आज तक हमने आपका मार्ग कभी नहीं रोका, किंतु आज रोकेंगे। हम आपको काल को रोकने नहीं जाने देंगे। क्या क्या कह रही? वही जो एक सुहागन स्त्री को कहना चाहिए। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं महारानी जी, आपके प्रेम का सम्मान करते हैं, परंतु काल को रोकना आवश्यक है। यदि नहीं रोका तो एक निर्दोष युवक ही नहीं मरेगा, परंतु उसके साथ उसकी अंधी मां की भी मृत्यु हो जाएगी, जिसकी सारी कामनाएं अपने पुत्र के साथ जुड़ी हुई। किंतु आप पर कोई संकट आए, हम ये भी तो सहन नहीं कर सकते सम्राट। हमारे साथ जो होगा जो नहीं होगा ये भविष्य की बात है, परंतु मां और बेटे के साथ जो हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, और वर्तमान को सुधारना हमारे लिए अधिक आवश्यक है। अब आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? आप ही निर्णय लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सहमति और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। चलते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपके हाथों उस निर्दोष युवक की जान बचे, साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अप्रिय ना घटे। माँ, मैंने भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी है, आप समय से भोजन कर लेना, मैं नौकरी पे जा रहा हूं। बेटा आज तो नौकरी पर मत जा। क्यों माँ? क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कोई पीड़ा है? कल रात को मैंने एक बुरा सपना देखा, तू नौकरी पर जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। माँ, सपने सच थोड़ी ना होते हैं, ये तो व्यक्ति के दिमाग में आते रहते हैं। तू हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं आज नहीं जाता, यहीं पर रहूंगा। अब खुश? मेरा प्यारा बेटा। ये क्या? दिन में सियार के रोने की आवाज। इसका अर्थ है कि काल आ चुका है।
क्योंकि कुत्ते और सियार काल की अनुभूति पाकर ही रोते हैं। सियार के रोने की आवाज इसी दिशा से आ रही है, इसका अर्थ यह है कि काल भी इसी दिशा से आया होगा। हमें इसी दिशा में जाना चाहिए। काल के शरीर का तो केवल भ्रम हुआ, हम तो उसे छू भी नहीं पाए। वो आया और तेजी से चला गया। क्या हुआ राजा भोज, इतनी हैरानी किस बात पर? नेता, मुझे हैरानी इस बात की कि काल सम्राट विक्रमादित्य के सामने से निकल गया और सम्राट विक्रमादित्य उसे रोक भी नहीं पाए। हाँ, आप होते तो उसे चुटकी बजाकर रोक लेते या पकड़ लेते। राजन, वो काल था काल। काल का ना कोई रूप होता है और ना कोई स्वरूप, वो होता है हवा, और हवा को कोई कैसे पकड़ सकता है? अगर सम्राट विक्रमादित्य काल को पकड़ ही नहीं पाए तो नामदेव की रक्षा कैसे की होगी उन्होंने बेटा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ राजन कि संसार के समस्त राजा एक तरफ और मेरा मित्र विक्रमादित्य एक तरफ। अगर वो काल था तो उसके सामने उसका काल था, यानी सम्राट विक्रमादित्य मेरे मित्र। और इसके बाद जो हुआ राजन, वो बहुत ही मजेदार और कौतूहल से भरा हुआ था। संसार में विराजमान पंच पवित्र जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, यदि हमने अपने जीवन में सदा ही सच्चे अर्थों में और सच्चे मन से मानवता की सेवा की है और इस जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किया हो तो हमारी सहायता कीजिए। और अभी इसी क्षण काल को एक शरीर प्रदान कीजिए।
काल, अब तुम्हारा भागना व्यर्थ है, क्योंकि हमने तुम्हें शरीरधारी बना दिया है। अब हम तुम्हें छू भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। हम किसी निर्दोष की मृत्यु नहीं होने देंगे, कभी नहीं। काल, देखता हूं कब तक और कहां तक भागते हो तुम। रुक जाओ काल। आचार्य जी, हम अभी तक इस चिंता से नहीं उभर पा रहे हैं कि सम्राट ने काल को रोकने का निर्णय लिया तो आखिर क्यों लिया। एक सम्राट के तौर पर उनका यह निर्णय लेना धर्म था, क्योंकि एक निर्दोष के जीवन की रक्षा करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है महारानी। हम मानते हैं आचार्य जी, हम मानते हैं कि जीवन रक्षा एक राजा का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, पर काल को रोककर। सच कहें तो इस बार सम्राट ने हमें शुभ और अशुभ के दो पार्टों के बीच पिसने को छोड़ दिया है। हम बुरे विचारों से अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आशंका निराधार नहीं है महारानी, क्योंकि काल को रोकना कभी भी शुभ हो ही नहीं सकता, और यदि उसे अपने तेज से रोका गया तो रोकने वाले के जीवन चक्र में प्रवेश कर सकता है। अर्थात? अर्थात उस रोकने वाले को भी काल के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होगा। आपका संकेत हम समझ गए आचार्य श्री। महारानी, मैंने ये जो कहा ये मेरा संकेत नहीं संदेह, और संदेह कभी सत्य का चोला नहीं पहनता महाराज। आप निश्चिंत रहिए, सम्राट को कुछ नहीं होगा, उनका तेज, उनकी शक्ति काल पर भी विजय प्राप्त करेगी। हमें विश्वास है कि सम्राट काल को अवश्य जीत लेंगे, किंतु फिर भी एक बार सम्राट की कुंडली देखकर आप हमें उनका भविष्य बताएं, अभी और इसी क्षण। तुम्हारा ये दुस्साहस, तूने काल को रोकने की कोशिश की, उसके मार्ग में तुम बाधा बने, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, कठोर दंड। तो राजन, अगर आप मेरे मित्र की जगह होते तो क्या काल को ऐसे पकड़ सकते थे? नहीं 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 नहीं, उत्तर मत दीजिएगा, उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये प्रश्न ही गलत है। आप मेरे मित्र की जगह कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। कहाँ बूंद और कहाँ सागर, कहाँ मिट्टी का दिया और कहाँ सोने की गागर। सही कहा आपने बेटा, सम्राट विक्रमादित्य से बराबरी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। वाह 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 वा, वाह राजा भोज, वाह। मेरे मित्र से बराबरी के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन उनके सिंहासन को प्राप्त करने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है आप सोचते ही सिर्फ यही है। श्रीमान बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा, ये सिंहासन मैं अपने प्रजा के हित के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप कृपया करके मुझे सम्राट विक्रमादित्य की परोपकार की कथा सुना, ताकि मैं उससे प्रेरणा लेकर सिंहासन को प्राप्त कर सकूं। तो ठीक है, सुनिए। मेरा मित्र था काल के सामने, और महारानी थी
वराह मिहिर जी के सामने। आचार्य जी, देख ली आपने सम्राट की कुंडली? महारानी, मेरा ऐसा मत है कि अनावश्यक कुंडली नहीं देखनी चाहिए। कुंडली देखने का अर्थ है काल की गणना, और काल की गणना। शुभ हो या अशुभ, आप बस सम्राट की कुंडली देखिए, ये हमारा आदेश है। जी महारानी। आचार्य जी, क्या बोल रही है सम्राट की कुंडली? कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है महारानी। अकाल मृत्यु न होते हुए भी अकाल मृत्यु योग बनता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अपनी बात स्पष्ट कहें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आचार्य जी। महारानी, ग्रहों की ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा मृत्यु को आमंत्रित करता है। जैसे दो व्यक्तियों के झगड़े में अकारण तीसरे का आ जाना और उनके हथियार से उनका मारा जाना। नहीं काल, नहीं, हमारे जीवित तुम उस निर्दोष मनुष्य की मृत्यु नहीं कर सकते, कभी नहीं। विक्रमादित्य, हट जाओ मेरे मार्ग से और जाने दो मुझे। इसके आगे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं। विक्रमादित्य, तू मेरा मार्ग रोक कर विधि के विधान में बाधा डाल रहा है। मान ले मेरी बात और जाने दे मुझे। परोपकार के हट में तू अपनी अकाल मृत्यु बुला रहा है। मृत्यु का भय नहीं है हमें। ओह, तो तू मरना चाहता है। मरने की चिंता नहीं है हमें काल, परंतु उस निर्दोष मनुष्य को, उसे कभी नहीं मरने देंगे। वो अपनी अंधी मां का सहारा है, अपने घर का दीपक है। हम उस घर को दुखों के अंधेरों में कभी नहीं डूबने देंगे, ये हमारा संकल्प है। तू अब मेरे क्रोध के कुएं में डूबेगा। तुम्हारी ये परोपकार की इच्छा ही तुम्हारा काल बनेगी। हट जाओ। काल, उस निर्दोष की मृत्यु करने से पहले तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। श्रीमान बेताल, यह संसार की सबसे रोचक और अभूतपूर्व घटना थी जब सम्राट और काल आमने सामने। फिर आगे क्या? फिर वो दोनों सो गए। सो गए? आप भी ना राजन, बड़े ही अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। जब मेरे मित्र ने काल को युद्ध के लिए ललकारा था तो दोनों के बीच युद्ध ही हुआ होगा ना, कोई उन्होंने मिलकर नृत्य तो किया नहीं होगा। फिर हुआ दोनों में युद्ध, वो भी भयंकर। माँ, बेटा, मेरा पेट भर गया। अच्छा माँ, अब तुम आराम करो, मैं चलूंगा। क्यों बेटा, और थोड़ी देर मेरे पास नहीं रुक सकता? माँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, महारानी जी मंदिर जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ठीक है बेटा, चलो माँ, तुम आराम करो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.